अच्छा भाई देखें, तो जो हमारी लास्ट क्लास थी, उस लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्चुअली इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था अबाउट द सिलेबस, और अब हम करेंगे कुछ तरह से कि क्योंकि एडवांस ऑडिट का इसमें हमने इंट्रोडक्शन तो डिस्कस कर लिया था, अब हम स्टार्ट ऑफ करेंगे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। आपको याद आ रहा होगा कि मैंने कल की क्लास के अंदर जाना बेसिकली ये बढ़ाया था कि आपके पास सेक्शन ए बी सी ये कुछ स्पेसिफिक सेक्शन है, सेक्शन सी डी है, या फिर सेक्शन ई है, यानी ये कुछ अलग अलग स्पेसिफिक सेक्शन है। तो मैं इस वक्त जो है बेसिकली सबसे पहले शुरुआत करूंगा मनी लॉन्ड्रिंग की, एंड मनी लॉन्ड्रिंग इज पार्ट ऑफ सेक्शन ए ऑफ द सिलेबस। तो जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है ना, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट का पार्ट एंड पार्सल है ये मनी लॉन्ड्रिंग। मैं इस मनी लॉन्ड्रिंग का थोड़ा सा कुछ बैकग्राउंड आपको बताऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द बैकग्राउंड टू मनी लॉन्ड्रिंग, और उसके बाद फिर हम सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। देखो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग को समझने के लिए जाना, पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान का तो बेसिकली हर शहरी है ना, वो आजकल जो है मनी लॉन्ड्रिंग का नाम तो सुनता है, वो अलग बात है उसको समझ में आता है नहीं आता, लेकिन हर बंदा मनी लॉन्ड्रिंग का नाम सुनता है। दुनिया भर के अंदर जो है ना बेसिकली जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो एक बहुत बड़ा बेसिकली मसला है पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ा मसला है। और ऐसी कंट्रीज जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान जो कि एक डेवलपिंग नेशन है, तो ऐसी कंट्रीज के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ा मसला है। अब ना व्हाट एग्जैक्टली इज दिस मनी लॉन्ड्रिंग? तो मनी लॉन्ड्रिंग का सिंपल मतलब क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि आपका जो इलीगल पैसा होता है उस इलीगल पैसे को लीगल बनाना इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। उस इलीगल पैसे को आर्टिफिशियल मीन से, इलीगल मीन से लीगल बनाना इज एक्चुअली कॉल्ड मनी लॉन्डरिंग। अच्छा देखें इस मनी लॉन्डरिंग के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता। तो सबसे पहली बात तो इस तरह से होती है कि जो इलीगल पैसा होता है ये इलीगल पैसा आता कहाँ से, पहली बात तो ये समझ लें कि इलीगल पैसा आता कहाँ से। तो मैं आपको थोड़े से सिचुएशन सिनेरियोस डिस्कस करूंगा, और मैं पाकिस्तान के भी कुछ हालात आपको बताऊंगा, और पाकिस्तान में लोग किस किस तरह से चीजों को करते हैं वो भी आपको समझाऊंगा। तो देखो पहली चीज तो ये है कि जो इलीगल पैसा होता है इसको कहा जाता है क्रिमिनल प्रॉपर्टी। इलीगल पैसा होता है इस इलीगल पैसे को कहा जाता है क्रिमिनल प्रॉपर्टी। अच्छा ना ये जो क्रिमिनल प्रॉपर्टी है, ये क्रिमिनल प्रॉपर्टी कहाँ से अराइज होती है? तो उसके मल्टीपल सोर्सेज हैं। पहली जो उसकी सोर्स है दैट इज एक्चुअली टैक्स इवेजन। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज टैक्स इवेजन? तो उस टैक्स इवेजन का कॉन्सेप्ट जब आपको एक पता है कि जब हम टैक्सेशन पढ़ते हैं तो उसमें टैक्स प्लानिंग के एरिया में दो बातें होती हैं, एक होती है टैक्स अवॉइडेंस, एक होती है टैक्स इवेजन। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? टैक्स अवॉइडेंस इज लीगल मैनर के अंदर आप टैक्स बचा लें तो दैट्स टैक्स अवॉइडेंस। और टैक्स इवेजन का मतलब ये होता है कि आप इलीगल मैनर के थ्रू टैक्स अगर बचाएं तो दैट इज कॉल्ड टैक्स इवेजन। जैसे कि लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस ने सेल करी 10 करोड़ रुपए और आपने सेल करी 2 करोड़ रुपए, तो अगर आपके बिजनेस ने 10 करोड़ की सेल करी और आपने 2 करोड़ की सेल शो करी है तो इसका मतलब जो 8 करोड़ रुपए है वो आपने 8 करोड़ रुपए डिक्लेयर नहीं किया गवर्नमेंट। तो जो 8 करोड़ रुपए हैं उसके ऊपर आपने टैक्स बचाया तो ये बेसिकली दिस इज कॉल्ड टैक्स इवेजन। तो आपने पूरे के पूरे 8 करोड़ रुपए है ना आपके, हालांकि टैक्स उस पर शायद आपने 1 करोड़ रुपए का बचाया होगा, लेकिन जो पूरे के पूरे 8 करोड़ रुपए हैं वो आपके इलीगल पैसे कहलाएंगे, वो आपके क्रिमिनल प्रॉपर्टी कहलाएंगे। तो बेसिकली जो क्रिमिनल प्रॉपर्टी है वो तो कैसे अराइज होती है? नंबर वन टैक्स इवेजन के। तो ऑल्दो आपने टैक्स तो सिर्फ 1 करोड़ रुपए का बचाया लेकिन उस 1 करोड़ रुपए के चक्कर में आपके 8 करोड़ रुपए पूरे के पूरे इलीगल हो गए। नंबर टू डेलिबरेटली कंसीलिंग मिस्टेक्स। देखें आप लोगों को टैक्सेशन का एक कॉन्सेप्ट पता है कि टैक्सेशन में एक टैक्स रिटर्न फाइल होता है। तो जब टैक्स रिटर्न फाइल होता है ना तो उस टैक्स रिटर्न फाइल होते वक्त क्या होता है? उस टैक्स रिटर्न फाइल होते वक्त ये होता है कि कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है। अब अगर टैक्स रिटर्न फाइल होते वक्त गलती हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? यानी आपने गलती इस तरीके से कर दी कि आपको जो है वो 50 लाख रुपए की सेल शो करनी थी, आपने उसको 5 लाख रुपए की सेल शो करी और आपने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी। You never intended to, but ये हो गया। फिर उसके बाद जब आपके पास नॉलेज में आया तो आपने कहा यार छोड़ दो कौन बताएगा, पैसे बच गए ना अच्छी बात है बेटर। तो अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो अब आपके पास जो 45 लाख रुपए जो अनडिक्लेयर्ड इनकम है, वो अनडिक्लेयर्ड इनकम इज अ क्रिमिनल प्रॉपर्टी। अगली बात प्रोसीड फ्रॉम थेफ्ट। डकैतियां डालते हैं लोग, डाके डालते हैं, चोरियां करते हैं, तो दैट इज ऑल इलीगल प्रॉपर्टी, दैट्स अ क्रिमिनल प्रॉपर्टी। ब्राइबरी और करप्शन। तो लोग जो है बेसिकली सीटों पर बैठे होते हैं और ये जना रिश्वतें खा रहे होते हैं, तो रिश्वत के थ्रू जो पैसा आता है वो रिश्वत के थ्रू पैसा आता है तो वो अल्टीमेटली क्या होता है? दैट इज एक्चुअली अ क्रिमिनल प्रॉपर्टी। हम मैं एक जगह देखने के लिए गया, स्क्राइबर के लिए हमें एक जगह लेनी थी, वो किसी पुलिस के रिटायर्ड एसपी की जगह थी।
सही है। तो जब मैं जगह देखने के लिए गया ना, तो उस जगह के अंदर मतलब बड़ी भरपूर कंस्ट्रक्शन हुई थी उस जगह के अंदर, ग्राउंड फ्लोर पे भी, फर्स्ट फ्लोर पे भी, बेसमेंट भी कुछ हद तक बनी हुई थी। और बड़ा मतलब ये बहुत ठीक ठाक पैसा लगा हुआ था। तो मेरे साथ जो बंदा था ना, वो बेसिकली थोड़ा सा ऐसा था, बगैर पढ़ा लिखा बंदा, बट ही न्यू दैट किसी पुलिस वाले की जगह है। मेरा सारा पुलिस का माल लगा दिस। एक बंदा एसपी लेवल के ऊपर जब होता है ना, तो यानी कि एसपी लेवल के ऊपर होता है, तो बहुत सारे जो है ना वो क्राइम्स जो होते हैं, वो क्राइम्स जो कमिट होते हैं, उसके अंदर जो अल्टीमेटली जो छुटवारा होता है लोगों का, लोगों को छूट दे दी जाती है कि भाई अभी थाने में बंद करा, भाई थाने से रिलीज कर दिया, कोर्ट में नहीं पेश किया। वो तो सारी की सारी चीजें क्या होती है, तो सारी की सारी चीजें एसपी लेवल के ऊपर हो रही होती है कि एसपी साहब जो है ना वो जनरली पैसे कमा रहे होते हैं। तो यानी अगर कोई बंदा एसपी लगता है तो ठीक ठाक किस्म की पैदावार कर सकता है। अगली बार करप्शन के थ्रू, तो आप देखें हमारे जो सियासतदान है, वो सियासतदानों के अंदर केस क्या है, वो अल्टीमेटली सारी करप्शन है। और सिर्फ पाकिस्तान की सियासतदान नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर है। अभी चाइना ने अपने एक मिनिस्टर को जो है वो बेसिकली लटकाया है, वो इस चक्कर में लटकाया है कि उनका एक कोई स्टेट का मिनिस्टर था, और उन्होंने वो जना बेसिकली उसकी करप्शन सबूत वो आ गए। करप्शन क्या करते हैं लोग, कुछ नहीं करते। देखो नवाज शरीफ वगैरह ने कोई ऐसे थोड़ी कोई पैसे चोरी कर लिए, इन्होंने तो सिंपल से ये काम किया। ये थोड़ी करा सरकारी खजाने से पैसे निकाले और पैसे निकाल के लेके चले गए, नहीं इन्होंने थोड़ी किया। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने करा कि उस तरीके से कि चाइना आ रहा है ना, चाइना ने बोला भाई मैं रोड बनाऊंगा, बनाओ तुम्हें रोड बनाना ना, बनाओ। कितने का बनेगा रोड? 10 करोड़। नहीं भाई तुम्हें ठेका नहीं दे रहा, 20% हमारा होगा तो ठेका तुम्हारा, नहीं तो ठेका तुम्हारा नहीं है। सही है, तो जो 20% हमारा होगा तो ठेका तुम्हारा है ना, तो उसके अंदर उसने कहा भाई ये जो दो जो 20% तुम्हारा है ना, वो भी तो हम तुमसे ही रिकवर करेंगे। तो उसने क्या करा, उसने करा भी उस तरीके से कि बेसिकली उसने ग्रॉस अप कर दिया अमाउंट, यानी उसने 10 करोड़ का 80% ट्रीट करके ग्रॉस अप करके 12.24 करोड़ का भेजा, ताकि 2.24 करोड़ हमें दे दे और 10 करोड़ रुपए खुद के रख ले। और इस तरह से जो ना बेसिकली पैसा पाकिस्तान के अंदर दे गया, नया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 12.24 का कॉन्ट्रैक्ट दिया, और कॉन्ट्रैक्ट पक्का दिया। किसको दिया? पैसे चाइनीज जो भी कॉन्ट्रैक्टर थे उसको दिए, उससे 2.24 करोड़ रुपए खुद रख ले। हमारे यहाँ जो करप्शन होती है, वो करप्शन के अलग अलग लेवल होते हैं। जो नवाज शरीफ वगैरह जो करप्शन करी है, इन्होंने तो यूँ पैसे थोड़ी चोरी करे, थोड़ी गवर्नमेंट का पैसा उठा के मनी लॉन्ड्रिंग करके या गवर्नमेंट का पैसा उठा के स्विस बैंक अकाउंट में दरदारी की तरह रख दिया, इन्होंने ये काम थोड़ी किया। इन्होंने कॉर्पोरेट क्राइम्स किए, इन्होंने कॉर्पोरेट क्राइम्स किए, सही है ना। अच्छा देखें, अभी एक जो है क्या बोलते हैं, एक बंदा है उसका नाम है अली जहांगीर सिद्दीकी, सही है ना। अपना उसके साथ केस चल रहा है, अब उसका क्या जो केस चल रहा है, एक कंपनी है जिसका नाम है एसगार्ड 9, और एसगार्ड 9 के साथ एक और कंपनी है, इसका केस चल रहा है। केस क्या चल रहा है, कंपनी का शेयर था तो 9 रुपए का या 10 रुपए का, और ये भाई साहब जो है इनको मतलब ये उसके खास आदमी था, शायद खाकान अब्बासी का दोस्त था बड़ा शरीफ शरीफ। तो हुआ कुछ तरीके से कि साहब को जो ना कोई मुशीर लगाया था, क्या लगाया था, तो इन्होंने जो ना नेशनल बैंक को बेसिकली वो शेयर 38 रुपए के 40 रुपए के बेच दिए। शेयर कितने का है मार्केट में, 8-9 रुपए का शेयर है, और ये शेयर होल्ड करती है कोई कंपनी या कोई इंस्टीट्यूशन होल्ड करती है। जैसे होता है ना भाई एसगार्ड 9 एक कंपनी है, उसके अंदर ना लेट से कि किसी कॉर्पोरेट कंपनी की शेयर होल्डिंग है, उसने 20-30% शेयर होल्डिंग रखी है, तो वो शेयर होल्डिंग उठा के ना उस कॉर्पोरेट कंपनी ने एसगार्ड 9 की शेयर होल्डिंग उठा के नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को भेज दी 40 रुपए के रेट में। तो अभी उसके खिलाफ ये करप्शन का इल्जाम ये चल रहा है, और ये कॉर्पोरेट क्राइम्स कर रहे हैं उन्होंने। तो ये करप्शन की अलग अलग किस्म होती है, कुछ करप्शन जो इस तरीके से होती है कॉर्पोरेट क्राइम की नेचर में, कुछ करप्शन वो होती है जो कि जाना बेसिकली एमक्यूएम करती थी, क्या करती थी भाई फितरे की पर्ची ले लो, या फितरा अदा करें। तो भाई क्या फितरा अदा करें, भाई मेरा तो फितरा, मैं अकेला आदमी हूँ, मेरा फितरा 100-150 मैक्सिमम, इससे अलग फितरा होगा चलो मैं बहुत बड़ा फितरा दे दूँ, खजूर का फितरा नहीं दूँ, या मैं खजूर का मैं बहुत महंगा वाला फितरा दे दूँ, 2,000 रुपये का फितरा होगा, 2,500 रुपये का फितरा होगा। एमक्यूएम वाले क्या करते थे कि भाई ये फितरे की ना 100 पर्चियां हैं आपकी दुकान पे, आपको बोला भाई फितरे की पर बुक खरीद लो, यानी वो एक अलग तरीके में फितरा जमा करना, वो एक बत्ता था। अमन कमेटी वाले क्या करते, पर्ची फेंक के चले गए। अरे अमन कमेटी वाले जंगली ना, वो गैर पढ़े लिखे जंगली ना, मतलब वो क्या मतलब, वो पान वाले की दुकान में ना पर्ची फेंक के चले जाएंगे, कल 50 लाख रुपए जमा करा दो, पान वाला भी जाएगा 50 लाख कहाँ जमा कराएगा, नहीं तो मार देगा, मार दे। क्या करप्शन के केसेस है, ये ब्राइबरी और करप्शन जो है ना इसके थ्रू भी पैसा आता है। हाँ, ये बिल्कुल जंगली है ना, मतलब इनको तो कुछ पता ही नहीं ना। तो खैर, उसके अलावा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स वगैरह की कंप्लायंस ना करने से जो पैसा आपको मिला,
और एट द सेम टाइम स्मगलिंग करना या और भी कोई मेथड हो सकते हैं जो यहाँ पे नहीं लिखे हुए, ये कोई कंक्लूसिव लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ एक जनरल लिस्ट है कि भाई पैसा इस तरीके से बनता है, सही। ओके, स्मगलिंग ये होता है कि इनलीगल चैनल के थ्रू जाना, बेसिकली एक चीज लेके आना मुल्क में, उसके ऊपर ड्यूटी ना पे करना और उसको बेचना पूरे नॉर्मल दामों के ऊपर, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड स्मगलिंग। अब मैं आपको इसकी स्मगलिंग के तरीके के बारे में बता रहा हूं, तो पाकिस्तान में बहुत बड़ी जो स्मगलिंग चल रही है ना, किस चीज की चल रही है वहां पर, एक चीज है जिसका नाम है अफगान ट्रांजिट ट्रेड, ATT कहलाता है, अफगान ट्रांजिट ट्रेड। नाउ व्हाट इज दिस अफगान ट्रांजिट ट्रेड, इसके अंदर बहुत सारे लोग पैसा बना रहे हैं, बहुत पैसा बना रहे हैं। तरीकेकार क्या होता है, तरीकेकार ये होता है अफगानिस्तान लैंड लॉक कंट्री है, अफगानिस्तान के पास समंदर नहीं, माल आता है कराची पोर्ट के ऊपर, जब कोई भी माल आता है ना तो उसमें शिपिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसका शिपिंग डॉक्यूमेंट होता है उसका नाम होता है बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग पे माल पे लिखा होता है डेस्टिनेशन काबुल, डेस्टिनेशन कंधार। तो पाकिस्तान का अफगान गवर्नमेंट के साथ ये मुआहदा है, वो अमेरिका की तरह शुरू हुआ था नेटो के चक्कर में कि नेटो का सामान देता था, तो मुआहदा है, मुआहदा ये है कि अगर अफगान डेस्टिनेशन का माल आएगा पाकिस्तान में तो हम उस पर ड्यूटी नहीं लगाएंगे, उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, हम आपको अलाउ करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, बाहर से माल आता है अफगान ट्रांजिट ट्रेड का नाम होता है, क्या भाई अफगान का माल आया ट्रांजिट ट्रेड है ना, तो रास्ते में पाकिस्तान पड़ा था अफगानिस्तान के, तो अफगानिस्तान जरा पाकिस्तान के थ्रू माल लेके जाए। अब हमारे पाकिस्तानी क्या करते हैं, बाहर से माल मंगाते हैं अफगानिस्तान डेस्टिनेशन, सही है। अब माल जाना यहाँ पे पाकिस्तान में कराची पोर्ट पर रुका, ट्रक पे चढ़ा और ट्रक पे चढ़ के जाना ट्रक गया कहाँ तक, अफगान बॉर्डर तक। अब अफगान बॉर्डर पर होती है पूरी सेटिंग, पूरी सेटिंग क्या होती है, पूरी सेटिंग ये होती है कि अफगान बॉर्डर पे माल जाता है, ट्रक अफगान बॉर्डर तक जाता है, कभी कभी बीच में भी घूम जाता है, अफगान बॉर्डर तक जाता है, ट्रक की एंट्री होती है, बॉर्डर तो ऐसे ही होता है ना, कोई लाइन थोड़ी लगी है, बॉर्डर ऐसे ट्रक की एंट्री होती है अफगानिस्तान, एंटर होता है वापसी घूम गया। अब समझो ड्यूटी देनी थी 200% 300% जो भी होती है, वो बीच में जाना यहाँ पे 50% खांचा दे के गायब है, खांचा दिया इधर पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं कस्टम की उनको खिलाए, उधर अफगान फोर्सेज को खिलाए, दोनों की सेटिंग करी, ट्रक वाला बीच में बोल ट्रक घूम के वापसी पाकिस्तान में। अब वो माल जिसपे 200% जिसपे 300% ड्यूटी लगानी थी, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ड्यूटी रखी हुई है, वो माल लोग क्या करते हैं अफगान ट्रांसपोर्ट के नाम पे निकालते हैं, और वहां 20-30-40% खांचा दे के रिश्वत दे के माल लेके आ जाते हैं पाकिस्तान, यहाँ पे बेचते हैं, यहाँ पे बेच के कमाते हैं। एंड ऑब्वियसली दे कांट डिक्लेयर कि इन्होंने ये माल कहाँ से लिया, बिकॉज ये तो ओरिजिनल कंसाइन ही नहीं थे, ये तो ओरिजिनल बायर ही नहीं थे, ओरिजिनल बायर तो काबुल में बैठा हुआ है, तो ओरिजिनल बायर तो काबुल में बैठा हुआ, तो काबुल के नाम पे माल आता है, माल आके घूम के पाकिस्तान में आता है। इस वक्त बहुत बड़ा चाय का कारोबार चल रहा है, टी चाय का कारोबार चल रहा है, कीनिया से श्रीलंका से चाय के पूरे जना सामान आता है अफगान ट्रांजिट ट्रेड के थ्रू आता है, और जना घूमता और घूम के रहता है। तो लिप्टन जो है ना, लिप्टन हो गया, टपाल हो गया, ये लिप्टन और टपाल जो है ना, ये बेसिकली क्योंकि मंडा नेशनल्स के ब्रांड है, या लिप्टन तो मंडा नेशनल का ब्रांड है, टपाल नहीं। लिप्टन वाले बेचारे मार्केट में जब माल खरीदते भी है ना, तो माल खरीदते हुए बड़ा ख्याल करते हैं यार अफगान ट्रांजिट ट्रेड का माल नहीं, क्योंकि कहीं कल बताना चाहता है पकड़ा गया तो लिप्टन के मनी लॉन्ड्रिंग के उसमें ना आ जाए, लिप्टन के ऊपर कहीं इंटरनेशनल जमात ना आ जाए, लिप्टन वाले बड़े ख्याल आते हैं। लेकिन जो दूसरे मार्केट के अंदर प्लेयर है, मार्केट के प्लेयर है ना, वो तो खरीदते कहीं से भी खरीदने ज्यादा सस्ता मिले, क्योंकि एक माल जो कि ड्यूटी पेड है, एक माल जो ड्यूटी अनपेड है, तो ड्यूटी अनपेड माल तो सस्ता पड़ेगा ना यार, उसमें आपका मार्जिन बहुत बड़ा हो जाता है। तो गेम ये चल, ये स्मगलिंग की एक छोटी सी एग्जांपल। ये जितने मोबाइल फोन है ना, मोटरोला के मोबाइल फोन मिलते हैं, ये मोटरोला के मोबाइल फोन सारे ये स्मगलिंग के मोबाइल फोन। अब ये क्या होता है, ये होता है इस तरीके से कि ये दुबई से और इधर उधर से ना कैरी वाले कहलाते हैं, लोग कहलाते हैं कैरी वाले। होता क्या होता है इस तरीके से कि पूरी सेटिंग होती है, 300-300 रुपए जो है ना बेसिकली ये पर मोबाइल फोन पे जो है ना इनको किराया दिया जाता है कैरी वालों को, सही है। अब क्या होता है, बोलता है कुछ तरीके से कि जो बेसिकली बंदे होते हैं ना, वो क्या होते हैं बाकायदे तौर पे ऐसे बंदे होते हैं जिनको उर्दू या इस जबान में कहते हैं खेपिया। ये खेपिया का काम क्या करते हैं, करते कुछ तरह से माल एक जगह से खरीदते हैं, मतलब यानी जैसे बाकायदा इनके पासपोर्ट जैसे बने हुए होते हैं, ये जना रोजाना दुबई का चक्कर लगाना, सुबह जाएंगे दुबई, यहाँ से कुछ पाकिस्तान से कुछ माल लेके जाएंगे दुबई,
माल लेके जाएंगे वहां पे, माल जाना दे देंगे पाकिस्तान से, और वहां से जाना फिर क्या होगा, वहां पे जैसे मार्क्स एंड स्पेंसर की शर्ट है, नेक्स्ट की शर्ट है, टॉमी हिलफिगर की शर्ट है, अब वो शर्ट वहां पे तो सस्ती मिलती है, पाकिस्तान में मिलती नहीं है, वही शर्ट वहां पे दुबई में 2,500 रुपए की मिलेगी, पाकिस्तान में वो 5,000-5,500 रुपए की शर्ट है, जूते वूते ये वो सब कुछ भर भर के आ जाते हैं, और उसके साथ साथ जाना क्या बोलते हैं 20-25-30-40 मोबाइल फोन भी डाल के आते हैं। ठीक है, अगर इनका काम ही होता है कि इनको बेच, अगर तौर पर जना मतलब जैसे माफिया ऑपरेट कर रही है, जो कि स्मगलिंग की माफिया खेपिए चलाती है, तो क्या चलते मैं हूँ, अब एग्जाम्पल है भाई मैं एक माफिया चला रहा हूँ, तुम चार बंदों को मैंने अपॉइंट किया, तो बोला भाई भाई तुम्हें तुम्हें जना महीने की तनख्वाह मिलेगी 50,000 रुपए 60,000 रुपए, फंस फंसा गया तेरा छुटवाना मेरा दिल में, लेकिन तू दिन के जाना वाला रोजाना तू दुबई जाएगा, और रोज सुबह 6 बजे 6:30 की फ्लाइट पकड़ के दुबई जाते हो, शाम को 4 बजे की फ्लाइट पकड़ के वापसी कराची आते हो, फिर अगले दिन सुबह वापसी 6 बजे। तो अब जब एक बंदा रोजाना आना जाना कर रहा होता है तो कस्टम अथॉरिटीज भी तो उसको जान जाती है, उसका पासपोर्ट बोलता है कि ये तो रोज दुबई के चक्कर लगा रहा, तो कस्टम को भी पता होता है कि खेपिया है, और पूरी सेटिंग होती है पूरी वगैरह तौर पर जाना पूरी कस्टम मिली हुई होती है, नहीं जब तक कस्टम ना मिली है तब तक काम नहीं चल सकता। हाँ ये कोई वो नहीं करते हीरोइन वगैरह स्मगल नहीं करते, लेकिन ये माल स्मगल करते, सही ना, 50 मोबाइल, अब भाई दुबई से मोबाइल फोन नॉर्मल आएगा तो मोटरोला के नॉर्मल मोबाइल फोन में 1500 रुपए ड्यूटी है, ये 300 रुपए में आ जाता है, 1200 रुपए का सस्ता मोबाइल मिलता है, 1200 मार्जिन होता है, सही है ना। खैर तो क्रिमिनल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई एक इलीगल प्रॉपर्टी किस तरीके से बनाई जाती है वो आपने देख लिया, ये मुख्तलिफ तरीकों से इलीगल प्रॉपर्टी बनाई जाती है। अब देखें, अब जरा समझिएगा, अब बात सारी है कि मैं हुकूमत में था और मैंने खूब करप्शन करी, और खूब करप्शन करके मैंने खूब इलीगल प्रॉपर्टी बनाई, अब ये खूब इलीगल प्रॉपर्टी बना ली और फिर अब इसको जाहिर सी बात है मैंने इस्तेमाल भी करना है, जब तक मैं पावर में हूँ तब तक तो मुझसे कोई नहीं पूछे, जिस दिन मैं पावर से उतरा तो उस दिन शायद मुझसे दुनिया पूछना शुरू कर दिया था, नवाज शरीफ भी साथ पावर में उससे पूछना शुरू कर दिया कहाँ था, सही है ना। तो लेकिन शायद मैं पावर में पावर से उतरूँ उससे पहले ही शायद जाना मुझसे आवाम पूछना शुरू कर देगी बेटा पैसे कहाँ से आए कहाँ से आए कहाँ। तो नाउ द पॉइंट इज आई नीड टू मेक श्योर कि मैं इस पैसे को लीगल फॉर्म दे दूँ, लीगल शक्ल दूँ। मैं आपको ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना इसको मैं भी कुछ भी नहीं पाऊँ, मैं पहले आपको जनरल सिनेरियोस बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में लोग इस पैसे को ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इनलीगल को लीगल करने को ये भी कहते हैं कि ब्लैक को व्हाइट करने, इनलीगल को लीगल करने का मतलब ये होता है ब्लैक को व्हाइट करना। अब देखें ये ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कैसे कन्वर्ट होती है, तो पाकिस्तान के अंदर कुछ तरीकेकार है वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन जो एक तरीकेकार है पाकिस्तान के अंदर उसको कहलाते हैं फॉरेन रेमिटेंस। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज अ फॉरेन रेमिटेंस, पाकिस्तान में इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस जो है उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 111 एक सेक्शन है, उस सेक्शन 111 में ये लिखा हुआ है कि भाई जो है अगर आपके पास फॉरेन रेमिटेंस आती है, अगर आपके पास फॉरेन रेमिटेंस आती है किसी बाहर की कंट्री से आपके यहाँ पैसे आते हैं, तो उस फॉरेन रेमिटेंस के अंदर जो है क्या बोलते हैं कि आपसे टैक्स अथॉरिटीज ये नहीं पूछेंगी कि वो पैसा कहाँ से आया। अगर आपके पास फॉरेन रेमिटेंस आती है तो टैक्स अथॉरिटीज आपसे नहीं पूछेंगी कि पैसा कहां से आया, यानी ये क्या हो गया, यानी हुआ ये कि ये जो हमारे इधर हवाले हुंडी का काम मनी चेंजर्स कर रहा होता है ना, वो हवाले हुंडी का काम क्या चलता है, हवाले हुंडी का काम ये चलता है कि आप मनी चेंजर हैं, आपको मैंने बोला यार बात सुन मुझे 1 करोड़ रुपए वाइट करना है, आपने बोला सर 2% लगेगा, करोड़ रुपए मैं आपको वाइट कर दूंगा 2% लगेगा, आप मुझे जानते हैं मेरा आपका एतबार का रिलेशनशिप, अब आपने मुझे क्या बोला, आपने बोला भाई एक काम करो 1 करोड़ रुपए का चेक दे दो मुझे ब्लैंक, 1 करोड़ रुपए का चेक दे दो खाली चेक साइन दो, और करोड़ में 2% लगेगा तो आप एक काम करें 2 लाख रुपए और भी दे दो, 1 करोड़ का चेक दे दें और 2 लाख रुपए। मैंने कहा आपको क्या मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़े थे, नहीं लेकिन मैंने आपको चेक दे दी, अब आपने कहा भाई सर मेरा काम है, आपने 2% मेरी फीस दे दी ना मुझे मेरा काम। अब ये मनी चेंजर क्या करेगा, ये मनी चेंजर का पूरा नेटवर्क है, ये मनी चेंजर का पूरा नेटवर्क है, ये मनी चेंजर जो है ना वो दुबई में अपनी जो है ना बेसिकली उस चेंजर मनी चेंजर को बोलेगा
भाई ये फला अकाउंट है, फला अकाउंट में 1 करोड़ भेजो। क्या पैसे होते हैं घुमाने के लिए, काम कर रहे होते हैं वो। उसने भाई फला अकाउंट के अंदर ना मेरे अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपए भेजे। अच्छा मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आएंगे ना तो मुझे बुलाएगी बैंक, वो आपके अकाउंट में पैसे आए कहाँ से आए। मैंने तुम क्यों पूछो, फिर आप बताए FBI पूछे कहाँ से आए, तो मैंने तुम नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते, सेक्शन 111 जाके पढ़ लो, अनडिस्क्लोज इनकम होगी, आप नहीं पूछ सकते। करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में गिरे, गिरने के बाद जो है करोड़ रुपए के ऊपर क्या हुआ, करोड़ रुपए के ऊपर जाना इसने विड्रॉ कर लिए 1 करोड़ रुपए, उसकी जिंदगी गिरा, अगले दिन से विड्रॉ कर लिया। अच्छा गिरने के बाद जाना विड्रॉ करने के बाद हुआ क्या, हुआ ये कि मतलब मेरे अकाउंट में पैसे आए, आके निकल गए, मेरे अकाउंट में नहीं पड़े पैसे, सही। लेकिन मैं अपनी एक जो ना बेसिकली जैसे जैसे कंपनी की बैलेंस शीट होती है ना, ऐसे इंडिविजुअल की वेल्थ स्टेटमेंट होती है। तो आप इंडिविजुअल की बैलेंस, मैं अपनी बैलेंस शीट में शो करूंगा, मेरी बैलेंस शीट में शो करूंगा मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, कोई कहेगा कहाँ है, मैं कहूँगा घर में रखे, नोटिस तो नहीं गिनना आएगा ना कोई। यानी अगर कल मैं 80 लाख रुपए की गाड़ी खरीदता हूँ तो वो मुझे बोलेगा भाई कहाँ से आया, तो मैं कहूँगा मेरे पास तो पैसे हैं। कल मुझे FBR आगे पकड़ना है भाई पैसे कहाँ से आए तेरे पास, तो मैं कहूँगा यार ये पकड़ो मेरी बैंक स्टेटमेंट, ये पकड़ो मेरे पास देखो फॉरेन रेमिटेंस आई थी। FBR कहेगा किसने भेजी, आपका हक नहीं पूछे। So this is one of the sections, 111, जो पाकिस्तान में basically loophole छोड़ा हुआ है हमारे लोगों ने, पहली बात है जानबूझ के छोड़ा हुआ है, इसके जरूर जाना जितनी भी foreign remittance आती है उससे पैसा फाइट हो जाए। आजकल मसला कुछ इस तरीके से कि आजकल जो है क्या बोलते हैं कि basically पूछपाछ बहुत हो गई, सही है, पूछपाछ बहुत हो गई तो मनी चेंजर्स भी बड़े केयरफुल है, क्योंकि उसमें फिर ये कि जब से खाना निकालिए का मसला हुआ था ना, तो खाना निकालिए के बाद से मनी चेंजर्स भी बड़े केयरफुल हो गए कि मनी चेंजर इतना आसानी से जा रहा है आजकल, आपको काम करके नहीं देते और इतनी बड़ी रकम एक साथ नहीं आती, टूट टूट के आती है। लेकिन होता है, मतलब होता है कि मेरे पास भी अगर 10 करोड़ में पड़े हो और मुझे इस्तेमाल करना, तो कल मुझसे कोई सवाल पूछने से पहले मैं प्रोवाइड करा दूंगा पैसे। फिर उसके बाद ये चीज समझ में आई, फिर पाकिस्तान में एक और कॉन्सेप्ट चलता है विच इज कॉल्ड प्राइस बॉन्ड। देखें अगर आप में से किसी ने प्राइस बॉन्ड कभी लिया हो तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि प्राइस बॉन्ड के ऊपर ना किसी का नाम नहीं लिखा होगा। प्राइस बॉन्ड सिर्फ एक एम्प्टी बॉन्ड होता है जिसका बॉन्ड नंबर होता है स्पेशल। हमारे इधर क्या होता है बेसिकली, क्या हुआ भाई एक प्राइस बॉन्ड है मेरे पास पड़ा है, किसी को नहीं पता मेरा। अब प्राइस बॉन्ड इज अ कैश इक्विवेलेंट, अ प्राइस बॉन्ड इज अ कैश इक्विवेलेंट, मैं आपको दे दूं दैट्स अ कैश इक्विवेलेंट। अब नोबडी नोज दैट आई हैव दिस प्राइस बॉन्ड, नाउ क्या होगा समझना। हर थोड़े हफ्ते के बाद ना गवर्नमेंट के नंबर्स पब्लिश होते हैं कौन सा प्राइस बॉन्ड का प्राइस लग गया। समझो मेरे पास 6-8 बॉन्ड है जिनके प्राइस लग गए, 10-10 लाख का इनाम लगा हुआ प्राइस हर बॉन्ड में, 10 बॉन्ड है 1 करोड़ रुपए का इनाम लगा। अब मैं जब बैंक में जाऊंगा अपने बैंक में और प्राइस बॉन्ड दूंगा स्टेट बैंक के पास सरेंडर करूंगा, तो उस 10 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए जाना मुझे मिलेंगे उसका प्राइस, और 1 करोड़ मिलने के साथ साथ जो मेरी ओरिजिनल प्राइस बॉन्ड की जो वैल्यू थी ना पार वैल्यू वो भी मुझे मिलेंगी। अगर समझे 10,000 रुपए के प्राइस बॉन्ड तो मुझे 10,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, क्योंकि पाकिस्तान में टैक्स है कि प्राइस बॉन्ड की इनकम के ऊपर टैक्स लगता है 15 या 17.5% लगता है, तो गवर्नमेंट इज गोना चार्ज मी 17.5% टैक्स। तो करोड़ रुपए का प्राइस बॉन्ड लगेगा तो मेरे अकाउंट में 82.5 लाख रुपए मिलेंगे मुझे, 82.5 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन क्या है कि कल मैं 82.5 लाख रुपए धड़ल लेते खर्चा कर सकता हूँ ना, मैं खर्चा करूंगा, 2-3 गाड़ियां मैंने निकाल ली करोला, कोई मुझे आगे पूछता है FBR का नोटिस आया कि करोला के पैसे कहाँ से आए, धंधा ये चलता है हमारे इधर, क्योंकि हमारा दिमाग तो बहुत शैतानी है ना पाकिस्तानी होगा। हमारा धंधा क्या चलता है, धंधा ये चलता है कि बगैर तौर पर बॉन्ड का काम करने वाले लोग हैं, जैसे मनी चेंजर है बॉन्ड के काम करने वाले लोग, और वो प्राइस बॉन्ड से भी पैसे कमाते हैं। अब मैं तुमसे कह रहा भाई तुम हो ना, सही है, अब तुमने बोला कि यार मेरा प्राइस बॉन्ड लगा है, अब तू बैंक में जाएगा ख्वार होगा दलील होगा 2 दिन तक, तुझे मैंने बोला यार बात सुन ये पास मुझे भेज दे बॉन्ड, 1,000 रुपए का बॉन्ड है 1,00,000 रुपए इसमें नाम लगा, कितने हो गए 1,01,000 रुपए,
जब तुझे लाख रुपए प्राइस मिलेगा उसमें 17.5% ही समझ 20% टैक्स पड़ जाएगा, तो लाख के तुझे कितने मिलेंगे 80,000 और 1,000 तेरा बॉन्ड है, कितने मिलेंगे 81,000, बैंक देगा ना, मैं दे रहा हूँ 81,000 ले, तेरी ख्वारी खत्म, जा सही है ना, मैंने आपको फारिग कर दिया। अब अली अब्बास जो ना वो बेचारा भोला आदमी था, उसको क्या पता, वो चला गया, उसको काले सफेद का कुछ पता ही नहीं है, उसने 81,000 रुपीज रखने लिए, हाँ यार यही तो होगा, अली अब्बास चले गए। अब मैं हूँ खिलाड़ी, मैंने ये बॉन्ड जो ना इसको पकड़ा, मैं यहाँ पैसे वाइट कराने, ब्लैक मनी वाइट करानी है, चलो मैं तुम्हारी ब्लैक मनी वाइट करा के देता हूँ, 3% लगेगा, क्या मतलब 3% लगेगा। अब मैंने क्या धंधा करा, देखो तुम, मैंने कोई बात सुन, ये प्राइस बॉन्ड तेरे अकाउंट में डलेगा, यानी अभी तक गवर्नमेंट के पास ये बॉन्ड नहीं गया, इनाम लग गया था लेकिन गवर्नमेंट के पास ये बॉन्ड नहीं गया, ये बेचारा ले लेके घूम रहा था, इनाम लग गया, क्या करूं क्या करूं, मैंने ला मुझे थे पैसे ले जा, जान छोड़ खत्म, ये खुश खुश चला गया, सही है, बोला आदमी था, ये घूम रही है कारोबारी, सही है ना। तब इसको मैंने पकड़ लिया, इसको मतलब 3% लूंगा, लाख रुपए पे 3% का मतलब होता 3,000 रुपए तू मुझे दे, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया 3,000 रुपए मेरे सर्विस चार्जेस, उसके अलावा तू मुझे चेक देगी, कितने का चेक देगी, तू मुझे 81,000 का चेक अलग देगी, 3,000 कैश देते भी 81,000 का चेक अलग देगी, क्यों, जैसे जैसे तेरे अकाउंट में पैसे आएंगे तो टैक्स कट जाएगा, नेट अमाउंट तुझे 80,000 मिले और 1,000 रुपये पार वैल्यू होता बॉन्ड रिकवर होगी, तो ये मुझे 81,000 रुपीज से चेक देगी, मैं इसके अकाउंट में वो डालूंगा, डाल के 81,000 देने जब वो क्लियर हो जाएगा ना गवर्नमेंट का, तो 81,000 निकाल लो और अलग से 3,000 रुपये मुझे और देगी। अब आप देखो मैं क्या था, मैं खिलाड़ी, मैंने क्या करे, बॉन्ड मेरा था नहीं, बॉन्ड तो इसका था, मेरा कोई काम बॉन्ड से नहीं, बस मैंने बीच में जबरदस्ती के 3,000 रुपए कमा लिए, ये बॉन्ड से इसकी पैसे वाइट हो गए, इसके पास जो ब्लैक मनी थी इसने लीगल कराने के लिए वाइट कराने के लिए 3,000 रुपए की कॉस्टिंग कर दी, इसकी 81,000 ब्लैक मनी तो वाइट हो गई। अच्छा ये भी जरा भोला आदमी है, तो पता नहीं पैसे को वाइट ब्लैक कुछ होता है, इसकी खराब हो, इसके खराब हो गए तुम्हारे सही हो, सही है। तो मार्केट में इसको कहा जाता है लगा हुआ बॉन्ड, क्या इसको कहा जाता है लगा हुआ बॉन्ड, हाँ किसको, मेरा काम ही कैश वाला है, मैं चेक वाला काम, बैंकिंग चैनल तो छोड़ना ही नहीं है, बैंक का तो ट्रेस ही छोड़ना, बात समझ आती सही है, आई स्टोरी समझ में, बदूर ने कमाया था ना भाई कहीं से भी, कोई क्रिमिनल प्रॉपर्टी भी नहीं हुआ, सही है ना, शी वांट्स टू लीगलाइज दिस मनी, so she has to pay a cost. वो इसके थोड़ी है पैसे, वो मेरे हैं, इसके थोड़ी है, इसके तो बैंक अकाउंट में 81,000 आ गए, अब इसने कैश विड्रॉ कर लिया, अच्छा तो कल गवर्नमेंट, कल अब ये मैंने बोला तेरे हो गए वाइट, मैंने कहा मेरे क्यों वाइट हो गए, मैंने कहा तूने कैश विड्रॉ कर दिया ना, अब तू यू शो टू द गवर्नमेंट दैट यू होल्ड दिस मनी एट योर होम, नोबडी इज गोना कम टू काउंट द मनी एट होम, तुम बहु भाई मैं क्यों रखाऊ मेरे पैसे, मैंने खजाने में रखे हुए अपने, सही है ना, मैं आपको अपने खजाने थोड़ी दिखा सकती हूँ, मैं आपको मतलब चोरी का रास्ता दिखाऊंगी, पागल हो गए जाओ, मेरे बैंक में आए थे ना, हाँ मैंने चेक निकाला बस खत्म। सो द पॉइंट इज व्हाट हैपेंस इज नोबडी कैन आस्क, अब ये हो रहा है प्राइस बॉन्ड अब CNIC के साथ इशू हो गए, अब यानी गवर्नमेंट हमारी कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता कर रही है, लेकिन धरती पर गवर्नमेंट में तो करप्ट लोग बैठे हैं ना, तो अगर वो करप्ट लोग बैठे तो करप्शन का अपना दरवाजा कैसे बंद करे। नंबर 3, मुशर्रफ के दौर में एक आई थी एमनेस्टी आई थी, जो अभी नवाज शरीफ के दौर में भी आई थी, मुशर्रफ के दौर में एमनेस्टी की आई थी, एमनेस्टी आई थी मुशर्रफ के दौर में, मुशर्रफ ने क्या करा, मुशर्रफ ने बोला कि भाई बात सुनो, तुमने जितने गुनाह करे ना हम तुम्हें हज करने का मौका दे रहे हैं, धुल जाओ, सही है ना, वो कहते धुल जाओ,
मुझे उन्होंने कहा भाई बात सुनो, जितने पैसे ना तुम्हारे पास, उस पैसे के 10% हमें दे दो, तुम्हारे बेटों को हम दे दूंगे। यानी आपके पास 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए ना ब्लैक मनी। आप एक काम करें कि आप हमें जो ना 10 लाख रुपए दे दे, हम आपसे नहीं पूछे क्या क्या 1 करोड़ रुपए का। तो काफी सारे लोगों ने अपना पैसा वाइट कराया। फिर ददाई साहब की हुकूमत आई, ददाई साहब ने नया स्टोरी करी। ददाई साहब ने बोला भाई स्टॉक एक्सचेंज, ददाई साहब ने बोला कि भाई देखो कोई भी बंदा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करेगा ना, और इन्वेस्ट करके 3 इयर्स तक पैसा अपना स्टॉक एक्सचेंज पे रखेगा, तो उससे नहीं पूछा जाएगा उसका पैसा कहाँ है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज की, हमारे पाकिस्तान की जो ना इकोनॉमी सारा पैसा जो ना स्टॉक एक्सचेंज में आ गया। यही थी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हुई, तो ये मार्केट आसमान पे चल रही थी, क्योंकि ये तो सारे दोनों एक ही कैटेगरी है ना, नवाज और दादाज, सही है ना। तो मार्केट आसमान पे चल रही थी, अब आसमान पे चल रही थी फुल धड़ाधड़, क्योंकि भाई सारी ब्लैक मनी को जो ना आपने वो दे दिया, ब्लैंक कट दे दिया। Nobody is going to ask you where does this black money come from. Number 5, नवाज शरीफ भाई ने जना एक नया काम किया। अभी इन्होंने जना 3% और 5% पे जना पैसा वाइट करा। और पता है क्या होगा, नवाज शरीफ ने बोला भाई पाकिस्तान की इंटरनेशनल तुम्हारी प्रॉपर्टी होती है, जो तुम पाकिस्तान नहीं, तुम स्विट्जरलैंड में अकाउंट है, तुम्हारे दुबई में अकाउंट है, जहां अकाउंट है वाइट सब डिक्लेयर कर दो, पैसा दे दो। नवाज शरीफ की हुकूमत में ये हुआ। तो मतलब पॉइंट ये है, ये पाकिस्तान के अंदर ये वक्त के साथ आया, इसमें इन्होंने नवाज शरीफ वालों ने जब निकाली थी ना स्कीम, उन्होंने स्कीम में एक चीज लिखी थी, स्कीम में एक चीज ये लिखी थी कि कोई भी पॉलिटिशियन इस स्कीम का अवेल नहीं कर सकता। तो भाई बात कर रही है, मैं हूँ पॉलिटिशियन, मेरा भाई तो पॉलिटिशियन नहीं है, मेरी बहन तो पॉलिटिशियन नहीं है, मेरी बीवी तो पॉलिटिशियन नहीं है, तो द पॉइंट इज कि मैं अपने नाम पे नहीं दूंगी, नाम पे कर दूंगा, सही है। तो ये गेम होती है, वो सब करा होगा ना बेटा, तो पॉलिटिशियन को मना था ना, नवाज शरीफ के बच्चे तो पॉलिटिशियन नहीं है ना, नवाज शरीफ तो पॉलिटिशियन है ना, वापस आ गए ना, सबूत नहीं था ना कोई भी। अच्छा अब ये कहानी समझ में आ गई, सही है। अच्छा देखो ये तो मैंने वो कुछ थोड़ी सी जनरल चीजें बताई। अब लोग क्या करते हैं, लोग करते हैं कि ये इस तरह की हरकतें करके जो ना पैसा वाइट होता है, ये तो मतलब यही ये सरकारी सबको पता है ये वाइट कर रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं बोलती। एक वो है किसी को नहीं पता वाइट कर रहा पैसा। अब कैसे, अभी देखें फालूदा वाले के अकाउंट में अरबों रुपए निकला है, गोले गंडे वाले के अकाउंट में निकला है, कुल्फी वाले के अकाउंट में निकला है। अच्छा ये सारा जो गेम है ना, ये सारा सब कुछ शक जो जा रहा है दरदारी के ऊपर जा रहा है। ये सारा गेम दरदारी ने करा, क्या दरदारी ने करा, दरदारी ने करा उस तरीके से भाई के दरदारी साहब बैठे रहे, अब तुम 4 लोग जो ना दरदारी साहब के मुलाजिम हो, वो सारे जाए अंगूठे छाप, सही है। अब क्या करा, तुम्हारा ओरिजिनल शनाती कार्ड, तुम्हारा जो शनाती है तुम्हारा जो शनाती है तुम्हारा, मैं ले गया तुम्हें नवाब शाह में, मैं तुम्हें ले गया भाई फला जगह की बैंक में, फला बैंक में, मैंने कहा चलो अकाउंट खुला, अकाउंट खुला मैंने साइन कर लिया, मैंने साइन किया मुस्तकत, मैंने बनाया। अब बैंक अकाउंट मैनेजर मेरा यार, अब मैंने क्या करे, मैंने भाई ये बेचारा शरीफ आदमी को पता ही नहीं है, गांव बोर्ड का हारी है, किसान है, इसके अकाउंट में 20-25 करोड़ रुपए डाल दिए। अब 20-25 करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन है, घुमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपको पता है एक सुप्रीम कोर्ट का जज है लाहौर का, लाहौर हाई कोर्ट का जज है, कहाँ का है, उस जज के नाम पे 100 गाड़ियां हैं, और जज को पता ही नहीं इसके नाम पे 100 गाड़ियां। उस जज का शनाख्ती कार्ड आ गया हो किसी हाथ में, वो शनाख्ती कार्ड पकड़ लगे, उस शनाख्ती कार्ड में धड़ाधड़ गाड़ियों में गाड़ियां बुक हो रही है, जज को पता ही नहीं है। बहुत कुछ करा, बहुत कुछ आइटम, यानी ये तो भाई अब वो बोलना ना भाई आवेद करो, हाँ क्या भाई ये तो फालूदे वाले की गलती है ना, उसके अकाउंट में पैसे निकले, मेरी गलती थोड़ी है। हाँ ना, आपने लॉ में अगर मैं जना, मेरा मशवरा ये कि आप जना 2 क्लासें बैरिस्टर को रहो रशीद की ले, सही है। उसकी रीजन ये कि वो आपको बताएगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, वो क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ का डिफरेंस समझा रहा हो ना, तो
अब आप उसकी क्लास में बैठे तो इज गोना टेल यू द बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास। देखें सिविल लॉ में और क्रिमिनल लॉ में फर्क क्या होता है। क्रिमिनल लॉ के अंदर होता है कि क्रिमिनल इज बेसिकली क्राइम किसको कहते हैं बिटवीन यू एंड द स्टेट। सही है। तो इन टर्म्स ऑफ द क्रिमिनल लॉ इट्स एक्चुअली बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन स्टेट। द स्टेट हैज टू प्रूव दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। स्टेट हैज टू प्रोड्यूस द विटनेसेस। स्टेट कैन नॉट प्रोड्यूस विटनेसेस राइट नाउ तो स्टेट इस बंदे नहीं डाल सकता कदम। तो ये बड़ी पंचायतें होती हैं इसमें, तो मतलब ये बड़ा लॉ के अंदर बड़ी गेम होती है। खैर एनीवेज, तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये मैंने आपको कुछ बताया स्टोरी है, मैं आपको इसलिए स्टोरियां समझा रहा हूँ ताकि आपको कुछ थोड़ा दिमाग आपका खोले कि गेम क्या होती है। अब देखिए मैं आपको नाम नहीं लूंगा। वी वेंट टू अ स्कूल, बहुत बड़ी स्कूल, बहुत बड़ी स्कूल, बच्चे नहीं थे उसमें। मैंने कहा कैसे चल रहा है स्कूल, कैसे चल रहा है, पता लगा भाई। फिर थोड़ी सी तहकीकात करी और भाई उसमें हॉर्स राइडिंग भी सिखा रहे हैं और ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। सही काम करी तो पता लगा कि भाई ये जो है ना स्कूल के पीछे इन्वेस्टर जो है ना डीएसपी साहब, रिटायर्ड डीएसपी साहब। मैं कहा सही समझ में आ गया कहाँ से चल रहा है स्कूल और क्यों चल रहा है। अब आप समझे क्यों चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ होगा क्या। डीएसपी साहब ने अपने डीएसपी के दौर में अरबों रुपए कमाए, सही है, अरबों रुपए कमाए किससे, दो नंबर। अब क्या हो रहा है, अब हो जा रहा है स्कूल चल नहीं रहा, लेकिन वो गवर्नमेंट को टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगे और टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगे। जैसे उनको स्कूल की महीने की फीस है लेट से 10 लाख रुपए, वो गवर्नमेंट को टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगे 1 करोड़ रुपए की फीस है, उनके खर्चे हुए 15 लाख रुपए। वो गवर्नमेंट को बोलेंगे 15 लाख का खर्चा है, 1 करोड़ रुपए की फीस है, 85 लाख का प्रॉफिट कमाया, इसके ऊपर हम टैक्स देने को तैयार है आपको 10% 12% जो भी हमारा टैक्स रेट। अब क्या हुआ, अब कल को आके उनको अपन उंगली उठा रहा तुम्हारे पैसे कहाँ से, बोला हमारा स्कूल चलता है भाई, क्या होगा। अब आप सोचे एक छोटी सी चीज है, पैसा छुपाने वाले के ऊपर शक जाता ना, पैसा दिखाने वाले के ऊपर तो शक नहीं जाता भाई। ये तो टैक्स भर रहे हैं उल्टा भाई, आप बोल रहे हो तुम्हारे स्कूल में इतने बच्चे ही, बोला पागल हूं मैं टैक्स भरूंगा। सोचिए 10 लाख रुपए की फीस आती है, दिखाते हैं 1 करोड़ रुपए की फीस है। अगर चोरी के वैसे वैसे 10-20 लाख रुपए दे दिए तो कौन सा बड़ा कमाल हो गया। 90 लाख तो चोरी गई था ना, 90 लाख चोरी, उसमें तो 10 लाख 80 लाख तो फिर बचे ना जेल में। मैंने वही वाली बात है, आपने डकैती मारी 1 करोड़ रुपए की, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, बोला तो ये नहीं छोड़ेंगे हमारा इज्जत है, आने वाले को मुझे जोड़ दो। द पॉइंट इज आपने क्या किया, चोरी में तो चोरी के माल में तो किया ना, अपने घर के माल में तो नहीं किया। तो ये वाली गेम करते हैं, क्या करते हैं एक साइड बिजनेस दिखाते हैं दुनिया को, दिखाने के लिए एक बिजनेस होता है कि भाई ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का बिजनेस है। हाँ हाँ तुमने नाम ले लिया, सही है ना, तो भी यही करना है। तो खैर एनीवेज ये समझ में आया। अच्छा हाँ, हमारा बेसिकली है ना, एक मेरे घर के बाद एक बंदा रहता है, वो है बुकी, बुकी है। उससे आप पूछो ना क्या काम कर, बोला फर्नीचर मार्केट में दुकान है मेरी। फर्नीचर मार्केट की दुकान वाला लेक्सस में घूम सकता है, लेक्सस में और दूसरे नई गाड़ियां क्या है भाई, फर्नीचर मार्केट में छोटा मोटा थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी वोपर्टी करता है। एंड में क्या है, ये स्टोरी है बुकी है, और बुकी का धंधा इलीगल है पाकिस्तान में, बैटिंग और फिक्सिंग तो इलीगल है ना, आप समझ रहे कौन सा समझ रहे, इलीगल वो लीगल करने का तरीका है, उसका पर उसके ऊपर कपड़े दूसरे पहना दो, दुनिया को देखो यहां से आते पैसे, रेस्टोरेंट खोल लो
नुकसान में चलाओ, लेकिन खूब दिखाओगे वो पता नहीं क्या पड़ा क्या पड़ा। सही है ना? क्योंकि भाई गवर्नमेंट को बुरा थोड़ी लगता है सेल आ रही है, गवर्नमेंट क्या टैक्स आ रहा, गवर्नमेंट को बुरा थोड़ी लगेगा, क्या बोलेगा जब टैक्स सेल नहीं आ रही। सेल होती है भाई दिन की 1 लाख रुपए की, आप बोलते 50 लाख रुपए की दिन की सेल मारी, भाई इतना चलता है हमारा रेस्टोरेंट। सही है, समझ में आ रही बात? ओके, तो मैं आपको बता दूं इनका बेसिकली, मैं दुबई जा रहा था, मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया, बोला भाई दुबई जा रहा था, बोला यार बात सुन, बंडल कैरी करेगा? चल रहे मैं नहीं करता। अपना बंडल कैरी करेगा का मतलब क्या होता है? व्हाट इज बंडल? बंडल का मतलब ये होता है, मैं आपको बताता हूँ, बंडल का मतलब ये होता है कि बेसिकली बीच में जो ना हमारे कुछ पॉलिटिशियन है, जिसमें आयान अली भी पकड़ी गई थी, तो ये पॉलिटिशियन क्या करते हैं, देखो आप एयरपोर्ट पे जाओगे ना, तो अभी तो खैर आजकल लिमिट चेंज हो गई है, एयरपोर्ट पे लिखा होता है कि आप $10,000 कैरी कर सकते हो। इंटरनेशनल टूर पे जब भी आप जाते हो ना, तो उसमें लिखा होता है $10,000 कैरी कर सकते हो। तो डॉलर की मैक्सिमम सबसे बड़ी नोट होती है 100 रुपए, और एक बंडल होता है 100 रुपए का, 100 नोटों का, तो 100 × 100 $10,000 हो गए। तो क्या होता है, ये कुछ लोगों के बंडल चल रहे हैं, तो बंडल क्या चल रहे हैं भाई, मैं जा रहा हूँ ना, अब आई एम अ ट्रैवलर, नॉर्मल ट्रैवलर, मुझे बंडल दे दिया। अच्छा मैं, मुझे क्या मिलेगा इस बंडल पे, मुझे बोला भाई डॉलर पे रुपया, आप $10,000 कैरी करें ना, $10,000 आपको मिल जाएंगे। अब क्या होगा, मैं जैसे ही दुबई एयरपोर्ट पर उतरूंगा ना, दुबई एयरपोर्ट पर उतर के ना, मुझे जाना वो एक मिलने आ जाएगा बंदा, एक्सचेंज में ले जाएगा, मनी चेंजर की जगह पे या कहीं इधर उधर ले जाएगा, ₹10,000 हार्ड कैश देगा पाकिस्तानी रुपए, और मुझसे बंडल ले लेगा। अब एक तरफ का ₹10,000 का मेरा पैसे निकला है, तो मुझे कहता है भाई बात सुन, बंडल ले जा, वापसी में सामान माल ले आना। मैं माल ले आना क्या मतलब, माल ले आना मीन्स के कपड़े होंगे, जूते होंगे, कुछ बैग्स वैग्स होंगे, वो चीजें ले आना, तो मतलब क्या ट्रिप फ्री हो जाएगा। यानी कि वापसी में मुझे जाना कुछ शर्ट्स, कुछ पैंट्स, कुछ जूते ब्रांडेड सारे ना, वो देने के चक्कर में था कि तू वापसी ले आ, और वापसी में ले आ तो इसके 15,000 ले लो, ले वो 25,000 में मिल जाएंगे, तेरा दुबई का टिकट फ्री हो गया। इतनी खूबसूरत मॉडल जा रही है ना, उसको चेक करने का सोचेगा नहीं, और छोटा भी नहीं, सच बात ना करो, उसको कोई चेक भी नहीं करता, ये मुखबरी हुई है, किसी ने पैसे खिलाए इसको पकड़ना है, आप समझ रहे हैं। इतनी खूबसूरत लड़की जा रही है, वो देखता भी नहीं है ये अपना, क्या पाकिस्तानी कस्टम हो या बाहर की कस्टम हो, नहीं देखते है ना, बायसनेस हो जाती है ऑटोमेटिकली। सही ना? तो ये थोड़ी पकड़ी जाती है, तो इसकी बगना मुखबरी हुई है। तो भाई ये मतलब एक जमाने थे, इनके बंडल जा रहे थे, तो बंडल जाते थे यहाँ से और वहां से माल घूम के आता था, तब क्या होता है इन्होंने बंडल यहाँ से ले गए और वहां से जाना फॉरेन रेमिटेंस करके पैसा अपने इधर मंगवा लिया, यहाँ पे प्रॉपर्टियां खरीद ली। तो बोल रहा भाई कहाँ लाया फॉरेन रेमिटेंस, किससे? भाई वो पता नहीं लाखों डॉलर लेके जा रहे थे यहाँ से, भाई एक मॉडल है भाई, जब पाकिस्तान से आपने निकल गया ना खत्म मसला, देखो दुबई एयरपोर्ट पे थोड़ी मसला है, मसला तो यहाँ है। हाँ तो दिखती रहे ना, कोई बात नहीं है ना भाई। हाँ तो जो चार्ट अकाउंटेंट होते हैं वो कौन से पारसा होते हैं, वो भी तो ढप्पे मारने के पैसे लेते हैं। वो करेंगे ना अकाउंट, अकाउंट में ऑडिट भी, स्टैंप भी लगेगी,
चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन भी करेगा, इसका बाप भी करेगा साइन। हाँ हाँ, और भाई देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो चीजें जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। आप लाहौर चले जाए पंजाब में, आपको पंजाब में हर आदमी बड़ी गाड़ी में घूमता हुआ रहा है। आपको पंजाब में हर आदमी है ना एक बड़े शशके से स्टैंडर्ड से रहता है। पंजाबियों का मतलब यह है, मतलब मैं आई एम सॉरी, मैं पंजाबी कौम के ऊपर नहीं बोल रहा, मैं वहां के कल्चर की बात कर रहा हूँ। लाहौर का जो कल्चर है इनका मसला क्या, फैसलाबाद लाहौर इनका कल्चर ये कि ये जो है ना, मतलब दुनिया को जैसे अब मैं फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी को पैसे देने ना, मैं अपनी जात के ऊपर खर्चा रोकूं। मेरी पहली कोशिश ये होगी कि यार मैं पहले उसके पैसे उतार दूं, मैं अपनी बुनियादी जरूरियात पूरी करूंगा, लेकिन जिसके पैसे मुझे देने उसके मैं पैसे उतारूंगा, फिर कहीं जाके मैं अपनी लेविश लाइफ के ऊपर जाऊँ। ये लोग बोलते हैं पहले हमारी लेविश लाइफ, बाद में पैसे बचेंगे तो नहीं। इनका कल्चर ये है, इनका माइंडसेट ये है। तो मैं आपको सिर्फ एक बात ये बता रहा हूँ कि हालांकि होते हैं अंदर कंगले हैं, दुनिया के पैसे खा के बैठे हुए होते हैं। ये इधर का लाहौर का फैसलाबाद का मुल्तान का इनका कल्चर ही है, कारोबार में दुनिया के पैसे दबा के बैठे होंगे, 6 महीने क्रेडिट में मान लेंगे, 1 साल तक रुलाएंगे, फिर भी तोड़ तोड़ के देंगे। ओ बाओ जी ओ, दैट्स हाउ दे डू इट। सही है, तो खैर नहीं है। तो भाई ये समझना है कॉन्सेप्ट। तो ये जो बेचारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का बहुत शौक होता है, जी मैं अपनी फर्म चलाऊंगा। अपनी फर्म चलाना आसान नहीं है, दूसरे गिर जाते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, दूसरे गिर जाते हैं। मैं अपने अब्बा की फर्म पे बैठा हूँ ना 6 साल, मुझे पता है ना, आज 30 साल हो गए ना, तो लोग जानते हैं अपना। मैं जब ये इंस्टीट्यूट चला था ना, तो मैं जब मेरे लिए फिर मैं जब टीचर था ना, तो सब लोग जो ना अपने ख्वाब देखते हैं और अपना इंस्टीट्यूट खोलेंगे। मैं जना हमेशा कहता था मैं कभी अपना इंस्टीट्यूट नहीं खोलूंगा, कसम से मैं कहता था मैं कभी नहीं खोलूंगा कि मुझे खरीदना पड़ गया इसके अलावा। सही, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इंस्टीट्यूट खोलूंगा लिटरली इसलिए, बिकॉज की रीजन है कि जगह क्या बोलते हैं कि भाई इसमें हमारी फील्ड में टीचर कमाता है, इंस्टीट्यूट थोड़ी कमाता है, टीचर कमाता है, इंस्टीट्यूट थोड़ी कमाता है। एक तो कमा रहे खुद, बाकी तो इंस्टीट्यूट थोड़ी कमाता है। देखिए तमानी है आलम में जो खुद कमा रहे, ना केएनएस कमा रहा है ना एआरटीटी कमा रहा है, वही कमा रहे ना, उनको हटा दो माइनस कर दो, सिर्फ एक बंदे को हटाता है बच्चा भी, सिर्फ कोई नहीं। अब जाके यासिर यामीन खड़ा हुआ, ओएस के पास भी एक सब्जेक्ट है ना असल, तो P6 सही है ना, तो आप हटा दो उसको अहमद शफी को, असल पिलर तो अहमद शफी है ना। 5, 8, 9, 4 P1 नहीं चल रहा, 5, 8, 9 कर दिया, सही पिलर तो वो है ना, हटा दो एआरटीटी से अहमद को हटा दो, एक केएनएस है जिसके पास मल्टीपल बंदे हैं, उसमें भी उन सबको खड़ा करने वाला साजिश का पड़ी है, चाहे वो हमजा को टीचर बनाना हो, चाहे वो रिजवान को टीचर बनाना हो, इनको बनाने वाला साजिद कबाड़ी है। तो मैं एक ऐसी जनरल बात कर रहा हूँ, तो आज लेकिन कोई अगर हमजा है या रिजवान है तो कोई वो साजिद कबाड़ी से दबके थोड़ी चलते होंगे, वो चौड़े हो गए चलते, अपने चौड़ेपन में चलते अलग से, तो उनको पता है वो कहीं भी चले जाए बच्चा उनके पीछे। तो अगर इसने इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बना लिया है तो ये कमा थोड़ी ना इंस्टीट्यूट से। तो मैं बोल रहा हूँ जैसी चीजें नजर आती है वैसी होती नहीं है, वही है। तो आपको लग रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी फर्म चला लेगा, वो भाई वो बेचारे पैसों के लिए मर रहे होते हैं, तो उनको कहीं से पैसे मिल जाए, बहुत तरह के सिग्नेचर करते हैं। क्या कमिंग बैक टू, तो देखिए अब ना भाई ओवरऑल नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये तो मैंने आपको कुछ देसी टोट के बता दिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के, बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट टर्मिनोलॉजीज व्हिच एक्चुअली आर यूज्ड When it comes to this money laundering. So money laundering के actually 3 stages होते हैं, which is placement, layering and integration. Now what is this placement, what is this layering and what is this integration? Placement में कहते हैं this is the introduction
or placement of illegal funds into the financial system. Number two, layering. This is passing the money through a large number of transactions or layers so that it becomes difficult to trace its original source. Integration is final integration of funds back into the legitimate economy. Pakistan se bundle bheja Dubai. Ye placement. Dubai ke bank account se bundle ka pura transfer mara Pakistani bank account. Ye placement. Aur placement ke sath layering bhi ho. Kahan se aaya Dubai? Aata ke kahan se aaya the? Pakistan se. Banking system mein dale, dal ke layering ho gayi. Cover change ho gaya. Imported from Dubai ho gaye, remitted from Dubai ho gaye. फिर विड्रॉ करे फंड्स और फंड विड्रॉ करके जमीन खरीदी गाड़ी खरीदी घर खरीदा बंगला खरीदा तो पूरी साइकिल होती है पूरी चेन में कमीशन का वो होता है ना वहां तो ओपन है ना रूल ही नहीं वहां पे कुछ नहीं है ना वहां पे तो ओपन है भाई वो अगर स्ट्रिक्टनेस करना चाहोगे तो कहां से चलाएंगे तो भाई इतना टूरिस्ट आता है इतना ही आता है वो आता है वो थोड़ी कुछ ये हमारे पास एक बंदा है मेरे फादर के ऑफिस पे काम करता है वो पहले किसी अपने दोस्त के पास काम करता था मनी चेंजर का वो लोग मुख्तलिफ काम करते थे मनी चेंजर उसमें एक काम होता था एसएमएस का काम अब एसएमएस का काम क्या होता है आप समझ दुबई से एसएमएस आता था कि भाई ये फला एड्रेस है फला बंदा है फला नंबर है इधर इतने रुपए दे दो इतने दिरहम दे दो इतने दिनार दे दो इतने रियाल दे दो इतने डॉलर दे दो पैसा इनका नहीं होता पैसा इनको आगे से मिलता था ये वो डिलीवर करते थे 300 रुपए पर एसएमएस इनको पैसे मिलते थे भाई अब दिन में 50-60 एसएमएस जो अगर घुमा दिए है तो इसका मतलब एक दिन में कितने हो गए 10 SMS का मतलब 300 रुपए 3000 रुपए हो गए सही है और जना क्या बोलते हैं कि इतना जाएगा तुमने 60 SMS घुरा दिए तो दिन में 18-20 हजार रुपए हो गए सही है अब महीने का जना तुम्हारा SMS का ही सिर्फ काम जना अगर वर्किंग डेज में भी ले लो ना अलग है तो 30 दिन का काम है रोज के अगर 15 हजार रुपए भी ले लो तो जिसका मतलब महीने के 4.5 लाख रुपए की पैदा है क्या काम है SMS का बंदे कितने लगे 3 कितनी तनख्वाह 20-20 हजार रुपए बट रिस्क इज इन्वॉल्व कि आप बेसिकली जो है एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा हो जिसमें पैसा इलीगल चैनल के थ्रू घूम रहा है आप भी उसके हिस्सा हो अभी मेरे पास जो है एक फीस एक स्टूडेंट है मेरा इंडिया में उसको मैंने P4 पढ़ा उससे ना इंडिया में तो उसने फीस देनी थी अब फीस देनी थी तो मुझे कहता है मैं ये अकाउंट रेमिट कर दो उसने कहा सर हम पाकिस्तान में रेमिट नहीं कर सकते आप दुबई में रेमिट कर आप दुबई में ले लें या पेपैल का अकाउंट दे दें तो मैंने उसको अपने दोस्त का बैंक अकाउंट दे दिया दुबई से तो उसने जब दुबई से मेरे दोस्त के बैंक अकाउंट में पैसा डाले ना फिर जो है वो मेरे दोस्त ने मुझे बोला भाई तुझे अपना अकाउंट दे मुझे पता है यार मुझे तुम मंगा रहे मुझे दुबई से मैं तुझे वो बता दूँ तो कुछ पैसे शॉर्ट हो जाते फिर एक और स्टूडेंट मेरे पास आया दुबई का पता नहीं कहाँ का आया उसका सऊदी अरब का अकाउंट है उसने मुझे बोला यार तो मैंने कहा यार आप एक काम करो फीस जाना उसने दुबई के अकाउंट डिटेल दे दी अब मेरे दोस्त के अकाउंट में उसने पैसा डाल दिए मेरा दोस्त मुझे कहता है यार बात सुन भाई इतने सारे पैसे ना मंगवा मुझसे पूछ पाछ हो जाएगी कहाँ से आ रहे हैं अब मैंने कहा तू भट्टू है यार तुझको अब देखें एक छोटी सी बात ऐसे मैंने कमाए कहाँ से कमाए इंडिया से और सऊदीया से पढ़ा के पैसा कहाँ आया दुबई अभी देखो मेरा चैनल पैसा आ गया दुबई में प्लेसमेंट हो गए सही प्लेसमेंट हो गए प्लेसमेंट होने के बाद जो ना अब मैं उसको जो ना बोलूंगा मेरा बैंक अकाउंट में डाल दूंगा यहाँ पे लेयरिंग होगी या फिर मैं उससे कोई चीज खरीद लूंगा तो लेयरिंग होगी फिर मैं बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के कुछ खरीदूंगा तो मतलब मैं जब खरीदूंगा मैंने एसी खरीद लिया तो एसी खरीदा एसी वाले को पैसे दिए तो लेजिटिमेट इकोनॉमी में पैसा आ गया ना इंटीग्रेट हो गया दुनिया बोलेगी क्या है एसी कहां से भेजा है बाहर से मेरे दोस्त ने भेजे थे दोस्त के पास कहां से है भाई मुफ्त में उसने मुझे अच्छा लग रहा था उसने भेज दिया समझ लो ओरिजिनल सोर्स घूम गई सही है ना
तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के तीन स्टेजेस होते हैं, प्लेसमेंट, प्लेसिंग इनटू द बैंकिंग सिस्टम, देन एक्चुअली लेयरिंग, इसकी ओरिजिनल सोर्स घुमा देना, एंड देन इंटीग्रेशन, लेजिटिमेट इकोनॉमी मिला देना। भाई समझ ना? ओके। अब भाई मैं एक स्पेसिफिक क्लाइंट में ऑडिट करने के लिए जा रहा हूं, तो मुझे क्या पता लगेगा यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। तो भाई मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं, कुछ इंडिकेटर होते हैं। क्या इंडिकेटर होते हैं समझ में? नंबर वन, एक्सेसिव यूज ऑफ वायर ट्रांसफर्स। वायर ट्रांसफर्स मीन बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांसफर। एक कंपनी दौड़ा दौड़ यहां से पैसे घूमते हैं वहां घूमते हैं, आप बोलिए यार क्या हो रहा है, वायर ट्रांसफर न्यूयॉर्क घूम गए, पैसे ऑस्ट्रेलिया घूम गए, कर क्या रहा भाई, काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, क्या हो रहा है? तो जहां पे आपको नजर आए वायर ट्रांसफर बार बार पे, ऑनलाइन ट्रांसफर, इधर ट्रांसफर उधर ट्रांसफर, आपको कुछ गड़बड़ पैटर्न दैट, हाँ इधर घूमते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट जुरिस्डिक्शन, डिफरेंट लोकेशन, पैटर्न दैट आफ्टर डिपॉजिट सेम और ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट इज ट्रांसफर्ड। अभी देखो थोड़ी सी एक बात समझो, मैंने तुम्हें बताया मनी चेंजर का गेम, कि मनी चेंजर वहां से करोड़ रुपए डालेगा, एक करोड़ रुपए उसके बैंक अकाउंट में डालेंगे, डल के यहाँ पे आएंगे और यहाँ से करोड़ एग्जैक्ट निकल जाएंगे, पैसा जितना डलता उतना निकल जाता, इसका मतलब गेम ऑन है। सही है। अगली बार लार्ज करेंसी और बेरर ट्रांजेक्शन, आप भाई बोलते मैं सारी पेमेंट कैश में करूंगा, क्यों? बोला भाई कैश में रिपीटेड डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स बिफोर बिलो मॉनिटरिंग लिमिट। देखें हमारे तो पाकिस्तान में ना 50,000 रुपए की लिमिट है, 50,000 रुपए के ऊपर कैश विड्रॉ हो तो टैक्स लग जाएगा। अब ये जो घुमाने वाले होते हैं ना, ये क्या करते हैं, बैंक अकाउंट में कभी भी पैसा, जैसे भाई मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैंने फालूदे वाले के नाम पे बैंक अकाउंट खोला, अब फालूदे वाले के नाम पे अगर मैं अचानक से 5 करोड़ रुपए डाल दूं तो हिल नहीं जाएगी अकाउंट, बैंक वाला नहीं हिल जाएगा, अभी कौन है भाई 5 करोड़ रुपए, प्रोवाइडेड के बैंक वाला मिला हुआ नहीं हो, वैसे तो बैंक वाले मिले होते हैं। सही है ना? अब देखो कि भाई कौन है 5 करोड़ रुपए ढाल करके गिरे अकाउंट, पकड़ो यार इसको, थोड़ा टाइट कस्टमर, इसको बोला 2-5 और डाल दे। सही है, आ जाएगा। तो यानी नजरों में आने वाली बात होती है ना। अब तरीके क्या है, रोज 40-50, 40-50, 30-40, 35-40, 40 या एक दिन में 20 बार डाल दिए, 50 बार डाल दिए, हर ट्रांजेक्शन 50 से नीचे, भाई वो 1 अरब रुपए निकले उसके पता नहीं वेल्टर की अकाउंट से, आपने बोला बात करो, तुम कभी भी 40,000 से ऊपर की पेमेंट क्यों नहीं करते? उसने कहा भाई हमारी पॉलिसी नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, कर रहे हैं पॉलिसियों के बहाने कर रहे हैं, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन। देखे ना, आप तनख्वाहदार आदमी, महीने की 20,000 रुपए तनख्वाह, अचानक तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए आ जाए, मैं तुमसे पूछूंगा नहीं भाई क्या हो गया, अरे भाई लॉटरी शॉटरी लगी है, क्या हो गया है? मतलब 20,000 वाला आदमी 5 लाख रुपए अचानक अकाउंट में मिल जाए, अगले दिन घूम जाए, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है ना। ट्रांजेक्शन रूटेड थ्रू सेवरल जुरिस्डिक्शन, देखे तरीके का होता है, पैसा यहाँ से जाता है दुबई, दुबई से जाता है घूमता न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से आता है लंदन, लंदन से आता है दुबई, दुबई से आता है पाकिस्तान, कैसे ये घूमता है। ओरिजिनल ट्रांजैक्शन की सोर्स इन इट रेशियो से, सीक्रेसी ऑर्डर, आप ऑडिट करने जा रहे हैं, अब वो पेमेंट कर रहा है, आपने किसको पेमेंट करी है? बोला भाई ये बस एक कस्टमर, उसको पेमेंट करी, एक सप्लायर, उसको पेमेंट करी, कौन सप्लायर, क्या एड्रेस पे, एड्रेस वेड्रेस नहीं, बस सप्लायर आते हैं, खान साहब आते हैं और आगे जाना, बस वो पैसे लेके जाते हैं और सामान देके जाते हैं। इतना ही चीजें हैं जो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट, सीक्रेसी ऑफ द ट्रांजैक्शन। नाउ भाई अब हम क्या करें, तो देखें बात सारी है, ऑडिट फॉर्म जाना,
उस ऑडिट फर्म के लिए मैंडेटरी है कि जो ऑडिट फर्म है वो क्या करे, ऑडिट फर्म मस्ट एस्टैब्लिश एन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम. ये अक्सर बेहतर आप जाएंगे ना तो आपको AML का वर्ड यूज होगा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग. बहुत जगहों पे आपको AML रेगुलेशंस का वर्ड सुनने को मिलेगा. अच्छा मेरा शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया था, सारे स्क्रैबर के बैंक अकाउंट मेरे नाम पे, तो क्या करें भाई. फिर हमने करा ये कि अगर मेरा शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया है, अगर किसी बैंक को पता ही नहीं है, और फिर मैंने कहा देखो भाई बना, मैं शनाख्ती कार्ड बनवा नहीं रहा था, तो जना क्या बोलते हैं कि फिर जना एक बैंक से नोटिस आया, शनाख्ती कार्ड वरना जना क्या बोलते हैं कि हम आपका अकाउंट जो है ना वो ब्लॉक कर देंगे. मैदान मैदान चल रहा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड चल रहा है, सब चल रहा है, किसी को नहीं पता. मैंने बनवाया आखिर का, बनवाने के बाद अभी तक किसी को हमने अपडेटेड शनाख्ती कार्ड नहीं दिया. सिस्टम इनके इतने वीक है, इनको पता ही नहीं है. क्या तो एक ऑडिट फर्म के ऊपर क्या जरूरी है कि एवरी ऑडिट फर्म शुड हैव अ मनी लॉन्ड्रिंग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम. वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम में क्या होना चाहिए, कुछ उसमें स्पेसिफिक चीज है. नंबर वन, अपॉइंट अ मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर MLRO. अच्छा एक बात जरा समझिएगा, कोई भी ऑडिट फर्म जो है ना वो बेसिकली स्पेसिफिकली MLRO अपॉइंट नहीं करती. कोई ऑडिट फर्म भी स्पेसिफिकली MLRO अपॉइंट नहीं करती, बल्कि जनरली स्पीकिंग क्या होता है कि जो नॉर्मल एक पार्टनर चार्टनर होता है ना उसको MLRO की डेजिग्नेशन भी दे दी जाती. वैसे एक जनरली रूल्स एंड रेगुलेशन ये कहते हैं कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ना आप क्या करें, बगैर तौर पर एक बंदा जो कि सीनियर लेवल का बंदा हो, जो तजुर्बेकार आदमी हो, उस बंदे को आप जो है क्या बोलते हैं कि MLRO अपॉइंट करें. एंड ही इज द वन जो कि बेसिकली अगर पूरी फर्म के अंदर कोई भी MLRO मनी लॉन्ड्रिंग के इंसिडेंट हो ना तो दैट हैज टू बी रिपोर्टेड टू हिम एंड ही इज द फर्म्स फेस टुवर्ड्स द क्राइम एजेंसी. सही है. तो एक चीज तो क्या है, यू हैव टू अपॉइंट एन MLRO नंबर वन. नंबर टू, इंडिविजुअल्स को ट्रेन करें अबाउट रिकॉग्निशन एंड हैंडलिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग सिनेरियो. देखो मैं आपको एक बात बताऊं, एक छोटी सी बात यह है कि अक्रॉस द फर्म जो है ना ट्रेनिंग होनी चाहिए. देखो भाई व्हाट आर द इंस्टेंसेस जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग एक इंडिकेशन होता है, और ट्रेनिंग होने के साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होनी चाहिए, हाउ डू यू हैव टू हैंडल. ठीक है, अब आप किसी इदारे के अंदर जाते हैं, वहां पे आपको मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, आपको अंदाजा हो गया. अगर आप जो है ना बेसिकली वहां की मैनेजमेंट को अंदाजा करा देंगे ना कि आपको समझ में आ गया है, तो वो सारी चीजें छुपा लेगी, वो फिर आपको थोड़ी थोड़ी सबूत रहने देगी, शवाहद थोड़ी रहने देगी. तो ये जो बेसिकली उसको अगर आपने एक बेसिकली इस तरह की सिचुएशन हो गई कि आपने उनको जो है ना बेसिकली इस तरह से उनकी नॉलेज के अंदर आ गया, तो दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बिकम अ स्टेपिंग ऑफ. टिप ऑफ का मतलब यह होता है कि आपने अपने टिप दे दिए, टिप ऑफ करने का मतलब टिप दे दिए, यू हैव एक्चुअली टोल्ड देम, यू हैव एक्चुअली गिवन देम अ हिंट कि ओके भाई हमें पता लग गया. सही है, जिसको भी पता नहीं लगने देना चाहिए हमें पता लग गया. बड़ा सीक्रेटली MLRO के पास जाओ उसको बताओ. और टिपिंग ऑफ एक क्राइम है, एक ऑफेंस है, यानी अगर कल गला कोई इन्वेस्टिगेशन आती है और उसमें पता लगता है कि भाई आप थे क्लाइंट थे और आपने टिप ऑफ कर दिया, तो तुम्हें उल्टे जेल में डाल देंगे. सही है, या फिर तुम अपने जो ना बेवकूफी के थ्रू जो ना इसको तुम अंदाजा करा दो कि जरा तुम्हें पता लग गया है, तो मुझे पता लगेगा.
ये वाली है। खैर उसके बाद एमएल मनी लॉन्ड्रिंग की जो ना बेसिकली प्रोसीजर एस्टेब्लिश करें। देखिए बैंक जो है ना या कोई भी कस्टमर होता है तो उसमें क्लाइंट एक्सेप्ट केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, सही है। एडवाइजिंग एंड सर्विसेज टू बी लीडिंग ऑफ, यानी बेसिकली पॉइंट इज कि ये दो चीजें जो ना एक साथ होती है। इदारे के अंदर ना आप इस तरह के मेजर्स करें जिससे मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, जिससे आप अपने कस्टमर्स का भी ख्याल लगे कौन से कस्टमर से आप डील कर रहे हैं, किस तरह से डील कर रहे हैं। मतलब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जैसे अगर भाई आप एक ऑडिट फर्म है, आपका एग्जैक्ट ऑडिट आता है, तो आप एग्जैक्ट कंपनी ऑडिट करने से पहले जरा एक देखें होते हैं ये एग्जैक्ट कंपनी वैसी है जो सामने से नजर आती है। सॉफ्टवेयर हाउस अंदर क्या हो रहा है, डिग्रिया बिग्री अंदर क्या हो रहा है, उल्टी सीधी हरकत हो रही। हाँ सही है ना। सो द पॉइंट इज, सो द पॉइंट इज कि भाई जना क्या बोलते हैं कि मैं एक क्लाइंट को एक्सेप्ट ना कर लूं कि मैं फंस जाऊं उल्टा, मुझे खुद प्रोसीजर बनाए जाएंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग वाले कोई ऐसे क्लाइंट को उल्टी सीधे हाथों में ना लग जाऊं। मेंटेनिंग क्लाइंट रिकॉर्ड रिपोर्टिंग टू रेलेवेंट अथॉरिटी, ये कुछ एमएलआरओ के प्रोग्राम क्या है। एमएलआरओ अपॉइंट करो, प्रोसीजर एस्टैब्लिश करो ट्रेनिंग करने के लिए, उसके बाद जो है बेसिकली कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करो, और उसके साथ साथ जो है क्या बोलते हैं मतलब ये कि क्लाइंट रिकॉर्ड मेंटेन करो, और साथ में एक और चीज ये है कि रेलेवेंट अथॉरिटीज को रिपोर्ट करो जहां जहां जरूरत पड़ जाए वहां वहां। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस का मतलब ये है कि बेसिकली कस्टमर की जांच पड़ताल प्रॉपर होनी चाहिए, केवाईसी ही होती है वही ना। ये आपके पास क्वेश्चन है which is June 2012 question number 3 है इसका, June 2012 question number 3। इस question पे जरा आ जाएं, और ये question जो है it's actually about money laundering, इस question को जरा solve करें। So let's actually have a discussion about this question. Kehta you are a manager in Lark and Co. Aur jo hai kya bolte hain ki responsible for the audit of Heron company, an owner managed business which operates a chain of bars and restaurants. This is your firm's first year of auditing the client and the audit of the year ended is underway. The audit senior sends a note for your attention. When I was auditing revenue, I noticed something strange. Heron company revenue which is almost entirely cash based. पहला मसला आ गया, भाई कैश है ना, तो कैश का मतलब क्या है कि भाई मैं जो ना मेरे पास कोई ऑडिटर आया बोला भाई आज कितनी सेल करी, मैंने डब्बा खोला मैंने कहा ये लो 20 लाख की सेल करी, मेरा 20 लाख कौन खरीदती है, बोला यार कस्टमर है माल खरीदती है, बोला कौन था मुझे क्या होता, आया खरीदा खाया चला गया। कैश मेमो की जरूरत ही नहीं है ना भाई, कैश में कौन सा मेमो बनता है। आप मुझे बताओ ना, आपने आज तक दुकानों से चीजों से खरीदे हैं तो कभी कोई कैश में पेमेंट करते वक्त आपको कोई वो मिली है, सब्सक्राइबर से स्लिप देता है आपको, नाम थोड़ी होता आपका, आपका नाम होता, आपका नाम तो नहीं आता ना, आपका नाम तो नहीं आता, बोलो उनके पास मैंडेटरी कैश है। नाउ इज रिकॉग्नाइज 5.5 मिलियन इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाउएवर द अकाउंटिंग सिस्टम शोस स्टिल रिसीट्स Still receipts for cash paid by customers amount to only 3.5 million. यानी के account show कर रहे हैं 5.5 million की receipt हुई है, जो cash register जो cash की tail होती है ना वो उसमें computerized system होता है ना, वो वाला जो है डब्बा होता है जिसमें entry होता है ठक करके खुलता है उसमें तो change निकाल के देता है, उसकी receipt show कर रही है 3.5 million, 2 million का घपला। This seems odd. So I questioned Abba Gul, the financial controller, about this. She said that Jack Heron, the company's owner deals with cash receipts and posts through journals dealing with cash and revenue. इसका मतलब क्या हुआ? The financial controller उसको नहीं पता कि पैसे कहाँ से हैं। बोले भाई ये तो owner देखता है, यानी कि owner ने financial controller रखा है, लेकिन फिर भी cash की collection खुद देखता है। Eva asked Jack the reason for these journals, but he refused to give an explanation. Secrecy over transaction. While auditing cash, I noticed the payment of 2 million. कितना फर्क था ऊपर 5.5 से 3.5 में?
By electronic transfer from the company's bank account to an overseas finance institution. Wire transfer was done to the jurisdiction. The bank statement showed that transfer was authorized by Jack. Kisne authorized kiya? Owner ne. But no other documentation regarding the transfer was available. Alarmed by the size of this transaction and the lack of evidence, I questioned Jack around asking him about the source of cash receipts and reason for electronic transfer. He would not give any reasons and became quite aggressive. Secrecy over transaction. अब देखें ये पूरा का पूरा सिनेरियो क्या है. पूरा का पूरा सिनेरियो जो है ना ये मनी लॉन्ड्रिंग का सिनेरियो. तो क्या मनी लॉन्ड्रिंग का सिनेरियो है? मनी लॉन्ड्रिंग का सिनेरियो इस सेंस में यार इसमें क्या कहोगे, उसमें कहोगे देखो बहुत सारी चीजें होती हैं. एक तो नंबर वन एक अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है. उसके बाद जो है क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ और कह रही है, कैश ट्रेल कुछ और कह रही है, ट्रांजेक्शन की सीक्रेसी है. उसके बाद वायर ट्रांसफर यूज किए जा रहे हैं. उसके अलावा जो है क्या बोलते हैं कि मजीद यह है के जो है क्या बोलते हैं कि अमाउंट जितना डिपॉजिटेड हुआ है उतना ही ट्रांसफर हो गया. और इसके अलावा जो है क्या बोलते हैं कि ओनर का कंट्रोल है. ये सारे के सारे चीजें जाना बताए हैं, ये इंडिकेशन करती है देयर इज समथिंग रॉन्ग हैपनिंग और टेकिंग प्लेस. ओवर समझ ना रहा सवाल के रिक्वायरमेंट है, डिस्कस द इंप्लीकेशंस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस डिस्क्राइब्ड इन द ऑडिट सीनियर्स नोट. तो इंप्लीकेशंस का मतलब ये होता है कि ये जो बातें आपको पता लग रही हैं इससे बेसिकली जो है क्या बोलते हैं कि इसका इफेक्ट या इसका इंपैक्ट क्या होगा अपॉन यू एज एन ऑडिटर एंड एक्सप्लेन नेचर ऑफ एनी रिपोर्टिंग दैट शुड टेक प्लेस बाय द ऑडिट सीनियर. सही है. ओके अब देखें पहले समझिएगा. तो अगर मैं बात करूं ना इस सवाल का आंसर कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहली चीज तो ये है कि कॉन्सेप्ट बताएंगे कि व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग. उसके बाद तीन स्टेप्स बताएंगे मनी लॉन्ड्रिंग के. उसके बाद आप जो है करंट सिनेरियो को डिस्कस करेंगे और भी कहेंगे कि दीज इंडिकेट एमएल टेकिंग प्लेस. मतलब डिस्कस द इंप्लीकेशंस के हमारे पर इंपैक्ट है ना, हम चलते चलते वहां पर ये सारी सिचुएशन ये हो गई कि सारा जो सिनेरियो है ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज मनी लॉन्ड्रिंग टेकिंग प्लेस. और आपको सिर्फ ये रिलेट करना है कि भाई ये मनी लॉन्ड्रिंग के इंश्योरेंस है.
ओके पाकिस्तान में अभी इन्होंने जो है ना बेसिकली हमारे लोगों ने इन्होंने ये कहा है कि भाई दे वुड एक्चुअली विसल ब्लोअर, विसल ब्लोइंग का एक जो कॉन्सेप्ट है बोला भाई विसल ब्लोअर्स के लिए ना हमने पैसे रखे हैं इफ एनीबॉडी हु एक्चुअली ब्रेक्स साइलेंस अबाउट इललीगल और इललेजिटिमेट थिंग्स हैपनिंग वी वुड एक्चुअली रिवॉर्ड देम. होते हैं कुछ कंट्रीज के जहाँ पे मसाइल ज्यादा होता है. सही है. अगली बात, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एनी रिपोर्टिंग दैट शुड टेक प्लेस बाय द ऑडिट सीनियर. तो जो है क्या बोलते हैं कि उसके अंदर होगा कुछ तरीके से कि आप इसमें सिंपल सी बात करोगे कि भाई इसको MLRO को कॉन्टेक्ट करना चाहिए और MLRO को एक्सप्लेन करने चाहिए पूरे सर्कमस्टांसेस और फिर लेट MLRO डिसाइड फ्यूचर कोर्स. एक्सप्लेन करो सर्कमस्टांसेस MLRO को और फिर उसके बाद MLRO को डिसाइड करने दो कि क्या करना है और क्या नहीं करना. क्या करता है यार, एक सीनियोरिटी का भी तो रोल होता है ना, तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर तो होता है ना अदारे के अंदर. फिर अगर ऐसा उल्टा सीधा करेगा तो कल अगर जाए वो बेसिकली जो क्राइम एजेंसी थे उनकी नजदीक को ऐसा केस आया कि भाई ये तो इसको पता था तो उसको पकड़ा जाएगा, लगड़े में आ जाएगा, बराबर हो जाएगा. इसका भी छूट रहता कोई नहीं है, वक्त की बात होती. सही भाई, ध्यान रख ले रहे. ओके सो लेट्स कीप इट क्लियर. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मजीद सिलसिला आगे बढ़ेंगे. Next class.